जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 महाराष्ट्र सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है और जिंदाबाद 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 अबू हसन मौलवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के तरफ से रहमगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ये जो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रदर्शन लग रहा है, रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस तरह के बैनर आपको नजर आ जाएंगे जो समाजवादी पार्टी का यानी कहीं ना कहीं प्रचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, यानी कि एक तरफ रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का प्रचार भी किया जा रहा है। मन्नान भाई, हम लोग समाजवाद को मानने वाले हैं। मन्नान भाई, समाजवादी में कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया जाता जिससे किसी को दिक्कत हो। आप लोग थोड़ा बाजू में पीछे आ जाएं, सारे लोग पीछे आ जाएं, गाड़ी चलने लगे तो गाड़ी में आता है, कोई कमी नहीं। मन्नान भाई, आप लोग जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो आप लोग क्या बाबा रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं या फिर समाजवादी पार्टी का जो है प्रचार कर रहे हैं? एक हम लोग एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हैं और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई शख्स चाहे हिंदू हो या मुसलमान किसी मजहब के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके खिलाफ हम सबको पूरे हिंदुस्तानियों को मिलकर के वो आवाज़ उठानी चाहिए। और बाबा गिरी ने जो हमारे गुस्ताख रसूल करी है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपत्तिजनक बयान दिया है, उसका खाली मुसलमान नहीं विरोध करते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। हमारे साथ साथ 80% हिंदू साथी जो है, जो सेकुलर ध्यान के रखने वाले हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो भी उसका विरोध करते हैं और सारे लोग ये मांग करते हैं कि रामगिरी महाराज को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है रामगिरी महाराज? इसके लिए पूरी तरह से यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। एक सरकार का मुखिया जो अपने स्टेट को बुला करके उनका सत्कार करता है और उनके सामने बोलता है, उस आरोपी के सामने बोलता है कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा, बताए उस आरोपी का उसका हौसला और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को बोलता हूँ कि एक दिन रहने का यहाँ पर हक नहीं है, ऐसी सरकार को तो बर्खास्त होना चाहिए। और आने वाले दिन में अगर बर्खास्त नहीं हुई तो यहाँ की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता इनको जो है एक तरह से हटा देगी और इनको नकार देगी, इनकी जो जगह उनको जगह बता देगी। चीफ मिनिस्टर जो सिंधे हैं उनको आज तक हम बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उस दिन से जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रामगिरी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उनका काम था कि पुलिस को ऑर्डर देना चाहिए था कि रामगिरी ने एक कौम के, एक मुसलमान के खिलाफ, एक मजहब के खिलाफ जो है उन्हें इतना बड़ा आरोप लगाया है। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के बाद अगर सारे मुसलमान अगर किसी से मोहब्बत करते तब आप सल्लम से मोहब्बत करते हैं, अटूट प्यार करते हैं और उनको किसी भी हाल में बर्दाश्त, उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके लिए हर मुसलमान शहीद होने को तैयार है। समाजवादी पार्टी जो है इस आंदोलन में इतना लेट क्यों जाती है? लेट कहाँ भाई, अभी 16 अगस्त को देखिए, हम लोग राजनीति नहीं करते। हमारे साथी ने कहा था कि आप राजनीति हम लोग कम करते हैं, राजनीति नहीं करते, लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते भले हमारे ऊपर इल्जाम हो। 16 अगस्त को जो है बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ था, हमारे आमदार भी वहाँ आए थे और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि मुबरा में जो है FIR दर्ज हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुई, हम देख रहे थे। उसके बाद अगर हम जाते थे, अगर कुछ करते तो लोग बोलते राजनीति कर, ये देखते हुए कि जब उनको इतना बड़ा FIR होने के बाद भी रामगिरी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, उसके बाद कल जा करके हमने लेटर दिया है कि भाई उनको अरेस्ट किया जाए। और सिंधे साहब ने कहा अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन सिंध दूर में कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पर केस चल रहा, वहाँ पर अरेस्ट होंगे। हमने कहा फिर हम यहाँ पर कोई बगैर किसी कोई रुकावट के हम लोग ये एक आह्वान देंगे कि उनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमेशा ये सब चीज़ें लोग किया जाता है सर, तो मन्नान भाई आप कह रहे, सुनिए, आप कह रहे राजनीति नहीं करते हैं, आप राजनीतिक पार्टी का पूरा बैनर लगा कर बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, अब बोले पर हम राजनीति नहीं करते। भाई हम समाजवादी के सिपाही, मैंने पहले कहा। तो फिर क्यों बोले कि राजनीति नहीं करते? राजनीति नहीं करते, यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के जरिए हम जो है आवाज उठा रहे हैं। अगर हमारी कोई भी बहुत तो राजनीति हुई ना, बहुत सारी तंजीमें हैं वो भी आवाज उठा रही हैं, तो वो भी तो उठा रही, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा चूंकि वो तंजीम और सामाजिक संस्था है। हमारी चूंकि राजनीतिक पार्टी है इसलिए आप हमको कह सकते हैं। मन्नान भाई, मुमरा में राजनीति पूरी हुई थी उस दिन, आपकी कमी रह गई थी।
मैं वहाँ था, वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन मैं अंदर स्टेज तक नहीं गया था 16 तारीख को ना। मन्नन भाई, आप गिरफ्तारी के लिए आगे आप क्या करना चाहेंगे? भाई अगर देखिए, हम लोग मैंने बहुत बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी के लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, समाजवादी चाहते हैं सारे लोग एक बराबर रहें, सारे लोगों को बराबर अधिकार मिले, सारे लोगों को इंसाफ मिले, तो हम तो आखिरी दर्जा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई रामगिरी की तो हम लगता है कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, इधर उधर से आवाज लग रही है कि जल्दी गिरफ्तार नहीं होगी तो फिर देखिए हमको रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड हम ब्लॉक करेंगे जो कि हम नहीं चाहते। आपका क्या स्टैंड है पूरे मामले को लेकर, क्या बताना चाहेंगे आप? भाई हम लोग जो है अभी गिरफ्तारी के लिए जो है सीनियर साहब से मुलाकात की, उनसे बोले और उन्होंने बोला कि जो है गिरफ्तारी के लिए मैं जो है ऊपर अपने कमिश्नर से और DCP से बात करता हूँ, और इस चीज़ को जो है उनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, जो है जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या बोलेंगे आदिल भाई, ये प्रोटेस्ट जो है गिरफ्तारी के लिए या सरकार गिराने के लिए? ये प्रोटेस्ट तो ठीक है, उसके ऊपर FIR हुआ बाबा रामगिरी के ऊपर, और उसके बाद अब तक जो है महाराष्ट्र पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, जबकि एक आम आदमी के ऊपर FIR हो जाता है तो पुलिस उसके घर पे जाती है उसको ढूंढती है, पुलिस उसके घर पे जाती है उसको ढूंढती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जो है IPC की धारा को मान नहीं रही है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो है ये पुलिस के लोग भी जिम्मेदार हैं, पुलिस के लोग चूंकि दबाव में है, इनको ये नहीं मालूम है कि आज नहीं कल अगर सरकार बदल गई तो हमसे हिसाब होगा फिर, तो ये पुलिस के लोग भी दबाव में है, जबकि पुलिस के लोगों को अपना काम करना चाहिए, जिसके ऊपर FIR हुआ उस आरोपी को जो है जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। नहीं, अगर अरेस्ट है तो अगर पुलिस FIR पुलिस अगर उनको अरेस्ट नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जो है विरोध प्रदर्शन करेगी, चाहे हर जगह जहाँ पे भी है। देवा मैडम क्या बताएंगी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर, गिरफ्तार किया जाए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि FIR होकर लगभग ऐसा है कि 1 वीक पूरा हो गया है, अभी तक के उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी जगह आपने देखा मुफ्ती साहब जिन्होंने बहुत ही मतलब मुख्तसर सी चीज़ बोली थी, ना कि किसी धर्म को टारगेट किया था किसी को, लेकिन उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया। तो ये सरकार जो है वो सिर्फ एक तरफा चीज़ें देख रही है और कहीं ना कहीं जो है वो माइनॉरिटी को टारगेट किया है इन्होंने, तो इसीलिए हमने ये धरना प्रदर्शन इसीलिए लिखा है। हम हमारी नाराज़गी तो जता ही सकते हैं ना कि भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, हफ्ता भर हो गया है 16 तारीख से लेके आज कम से कम पूरा 10 दिन हो गया और लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि रामगिरी को अरेस्ट किया जाए। महाराज की गिरफ्तारी के मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं महाराज सरकार के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है जो मुमरा के नूरानी होटल के पास जो समाजवादी पार्टी के ऑफिस है और उसके ठीक सामने ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरफ्तार करो।